कुछ गोलियां दागने की कोशिश थी, कनेक्शन नहीं आ पाया। अभी भी ओमेगा बड़े आराम से वो कवर के अंदर पहुंच जाएंगे। एक 1-3 स्प्लिट काइंड ऑफ पकड़ लिया, फिर एक 1-2-1 स्प्लिट, आई वुड बेटर से टीम सोल की तरफ से। अभी के लिए कोई खास ज्यादा बड़ा स्प्लिट तो है ही नहीं आसपास ही है खिलाड़ी, सो दिक्कतें जो है वो आपको ज्यादा कोई खास होती दिखेगी नहीं। स्टेज नंबर 3 विल बी क्लोजिंग इन सून, 30 सेकंड्स के आसपास का समय। और बात करते हैं टीम ओआर की, जरूर से एक सडन शिफ्ट सर्कल की, 8 बिट वो सर्कल के अंदर रहेगी। ग्लेडिएटर्स जो कि एज टू एज खेल रही थी, अब उन्हें सर्कल का एक अच्छा एडवांटेज, मगर दाद देनी पड़ेगी टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के रोटेशन की। आप देखिए जी पूरा एज से घूम के आई है और तमिल आज वो मिड में, टीम सोल वो ऊपरी छोर से एंट्री चाहते हैं। अब सर्कल का सेंटर वो केंद्र बिंदु बन चुका है। देखिए फाइट होती हुई ग्लेडिएटर्स ने पुश करने का ट्राई तो किया था, अगर स्मोक्स हटी टीम सोल के ओमेगा ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। देखिए दागी जारी लगातार, एच के एरिया को पकड़ के बैठी टीम सोल है ना, यस दे आर ट्राइंग टू ग्रैब ऑल दोस फिनिशर्स, मगर टीम ग्लेडिएटर्स एक पुश उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा जरूर से। क्या इसका फायदा था टीम सोल? जी हां, 2 प्लस को डाउन करेंगे। गॉब्लिन इज कमिंग अप ह्यूज, एक अच्छा कनेक्शन, एक मोर टॉपी चलती दिखेगी टू गेट ऑल ऑफ दोस कंफर्मेशन। टीम सोल के लिए कुछ अच्छे खासे फ्लैग आ सकते हैं, मगर यहां पर स्मोक के भी, आप देखिए स्मोक के थ्रू वहां पे मुझे लगा स्प्रे डाउन किया और खत्म किया, मगर ओमेगा एचपी की काफी कम, इट वाज नॉट अ स्मोक एनिमेशन। बट यहां पर बात करें लियो की, समापन उनके तरफ से भी दिखेगा जरूर से। एक आखिरी खिलाड़ी आना चाहेंगे, इस पे डाउन किया जाएगा, एगी को भी डाउन करेंगे टीम सोल। यहां से काफी सारे कंफर्मेशन लेके जाना चाहती है, मगर बात करते हैं हम यहां पर गॉब्लिन की। 2 फिनिशेस हो चुके हैं, हेक्टर को रीसेट देना है, ओमेगा के पास एक फ्रैग आ चुका है बिना खिलाड़ी गवाए। अगर ये 3 से 4 फ्रैग्स आते हैं, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। देखिए मल्टीपल टीम्स ने पुश करने का ट्राई किया, सोल ने अभी तक तो सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया, बट यहां पे अब गॉड्स रेन भी ट्राई कर रही है। गॉड्स रेन भी निगाहें गड़ाए बैठी है टीम सोल के ऊपर, लेकिन अब सर्कल दूर जा चुका है। अब तक आपके पास कंपाउंड था, अब तक आपके पास सर्कल था, आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, कैपिटलाइज किया, लेकिन अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको सर्कल के अंदर जाना है और पास में गॉड्स रेन है जो आपको रोकने के लिए बैठी है। क्या यहाँ पे टीम सोल अंदर एंट्री ले पाएगी या नहीं? और ऑरंगुटान स्टिल इन द सर्कल, बार बार जब आप एक अच्छी पोजीशन पकड़ लेते हैं पिछले सर्कल्स में तो आपको आने वाले सर्कल में एक अच्छा खासा एडवांटेज होता है, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑरंगुटान हैज एट द मोमेंट। से ग्रेनेड ने काफी बेहतरीन वैल्यू निकाली, मगर निंजा बॉय कनेक्शन उनके तरफ भी आएगी जरूर से। मैंटी की बात करें, एक के ओपी को भी करेंगे डाउन, टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 2 प्लेयर्स के साथ है, मगर स्लग वो अकेले ही कहर बरसा रहे हैं यहां पर। 3 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उन स्मोक्स राउंड खेले की कोशिश की जाए। निंजा बॉय फिनिशर्स नहीं इनके पास, मगर अगर स्लग को सही कवर दिया जाए, आई स्टिल बिलीव टॉप 5 के अंदर वो एंट्री हो सकती है। टीम लाइन दे हैव बीन एलिमिनेटेड, 8 टीमें हैं, 19 खिलाड़ी बचे हैं और सर्कल देखिए कितना ज्यादा छोटा हो चुका है। सर्कल के अंदर सिर्फ एक टीम आपको पूरे तरीके से कंट्रोल लेती दिख रही है, वो है जी, क्योंकि निंजा बॉय आगे चले, विस्गॉड भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना है कि सर्वाइवल जो है वो कितनी दूर तक जाएगा, मगर अभी के लिए सर्कल की स्विंग 3-2-1 में और टीम सोल वो सर्कल के बाहर कंपाउंड पकड़ के बैठी है। देखिए निंजा बॉय के पास एक अच्छी खासी पोजिशन है, लेकिन टीम सोल के पास अभी मैन काउंट है। मैन काउंट ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, मैन काउंट किसी भी टीम को टेक डाउन कर सकता है। नाउ अगेन गॉड्स रेन के अगेंस्ट ये फाइट इनिशिएट होती हुई, ग्रेनेड जाएगा, Boom goes the dynamite away iski taraf aur lagega ye grenade. Oh, it gets taken down. Ninja Jord is also down on his knees. Confirmation chahte hain. Neo obliterate karte hue back to back grenades aate hue. Goblin andar ki tarah ghuste ja rahe hain, left right and center har jagah shots dete hue. Multiple players ko take down karte hue. Team Soul isi match mein #1 hit karna chahti hai. गॉब्लिन जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा जरूर से, एक अच्छा एग्रेशन। एंड लुक एट द प्ले, हेक्टर सर्कल आपको यहां पे आता दिख रहा है, डाउन किया जाएगा, दिक्कतें बढ़ सकती है। गॉब्लिन डाउन होने भी क्या जाएगा, टीम सोल अब तक एक बहुत बेहतरीन शुरुआत चल रही थी, मगर क्या यहां से वो गेम अब पलटता दिखेगा। सर्कल के अंदर जी के खिलाड़ी अभी मौजूद है, निंजा बॉय है, स्लग है, वो चाहे तो रोक सकते हैं। एज के ऊपर बैठे दिख रहे हैं आपको टीम सोल के प्लेयर्स, ओमेगा निकलना चाहते हैं जरूर से, ट्राइंग टू गेट द कवर्स। निंजा बॉय सर्वाइवल मुश्किल रहेगा, मैंटी ओके मैक्सी अकेले कोने बैठे हैं जो यहां से वो वैल्यूज निकाल रहे हैं। डैमेज सबको दे रहे, ओपन में आराम से एकदम प्रोन डाउन बैठे हैं, मगर किसी टीम को दिख क्यों नहीं रहा है खिलाड़ी। फाइनली आई गेस दिखेगा जी, आप बिल्कुल स्लग पर दिखेंगे, स्प्रे डाउन करेंगे, खत्म करेंगे। 2 टीमें बची है, क्या वो चिकन डिनर आने वाला है टीम सोल के पास? रिवाइवल और रीसेट काफी बेहतरीन तरीके से, सामने जी का सिर्फ एक खिलाड़ी जो कि है स्लग। यू नेवर नो, क्या टीम सोल या फिर जी का वो अकेला खिलाड़ी स्लग इस गेम को लेके जाएगा। देखिए दरवाजे पे तो आ चुके हैं, बस अब दरवाजा खोलना बाकी रह गया है टीम सोल के लिए। टीम सोल वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन। स्लग है और स्लग की पोजीशन का पूरा अंदाजा है टीम सोल को। गॉब्लिन विद द ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड खत्म करेगा स्लग को? नहीं, सामने से मौली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कनेक्शन मिल तो रहा है हल्का फुल्का, बट समहाउ स्लग सर्वाइव करते हुए, नाउ ही कम्स आउट, बट गॉब्लिन टेक्स हिम डाउन एंड द टीम सोल गे
raise their hands at the winner winner chicken dinner. एक बढ़िया प्ले, खूबसूरत प्ले आता हुआ देखा जरूर से। देखे थोड़ा निराश है जी के खिलाड़ी,